मैं स्वाती, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जो हम करने वाले हैं नो मेकअप मेकअप लुक, तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो मैं अभी अच्छे से फेस वॉश करके आ गई हूँ। तो फर्स्ट मैं अप्लाई करूँगी दिस विश्केयर का फेस टोनर, रोज वाटर जो भी बोलो आप। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा निकल था भाई, इंस्टेंट फेस पे सब ग्लो आ जाता है। हम यूज़ करने वाले हैं दिस डर्माको का ये सीरम। नेक पे भी लगा लेते हैं, यहाँ क्यों स्किप करना। ओके देन एंड सॉरी फॉर गाइस, अगर मेरा फोकस बार बार यहाँ जा रहा है यहाँ की जगह। ये मैं पवित्रा का मॉइस्चराइजर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप लोग चाहते हो लेना तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। हम यूज़ करने वाले हैं ये प्राइमर। क्या थोड़े थोड़े हमारे ओपन पोर्स हाइड हो जाएं, जिससे अच्छे से हमें अप्लाई कर लेना है। हम अंडर आई पे भी इसको अप्लाई करेंगे, बिकॉज ये जो फाइन लाइन होती है ना, इनको अच्छे से यहाँ पे अच्छे से कंसीलर वगैरह हम जो भी यूज़ करें तो वो अच्छे से यहाँ पे ग्लाइड कर पाए, सॉरी ये अप्लाई हो पाए, जो भी है गाइस माफ़ करना। ओके हमने प्राइमर अच्छे से अप्लाई कर लिया है, बट नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इनसाइड कॉस्मेटिक। दिख रहा है ना, इनसाइड कॉस्मेटिक का ये कलर करेक्टर या फिर कंसीलर जो भी कह लो गाइज, मुझे नहीं पता, मैं तो यूज़ करती हूँ बस, ठीक है ना। इसको ऐसा फिंगर से ही मैं अप्लाई करने वाली हूँ, इसको लो और थोड़ा थोड़ा ऐसे। अच्छे से इस तरह से अप्लाई करने वाली हूँ, इसमें आपको किसी ब्रश की नीड नहीं है। और अगर आपके पास ब्रश हैं तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी काम चलेगा। एंड मुझे ये पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब बिगिनर हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स पर इन्वेस्ट करो, कंसीलर पर इन्वेस्ट करो। और वैसे बजट फ्रेंडली देख सकते हो, जैसे आपका काम भी हो जाए और आपका थोड़ा पैसे का नाम भी ना, देख सकते हैं मेरे अंडराइज को इसने कितने अच्छे से कवर कर लिया है। एंड बस मैं यहीं लगाना इसको प्रेफर करती हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको कोई डार्क सर्कल ज़्यादा हो रखे हैं या फिर आप कहीं और पिगमेंटेशन है तो आप वहाँ पे इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बार बार माइक पे पूरा। ओके नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फिट मी फाउंडेशन। तो मैं इसको ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर ले लेती हूँ, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ ले कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्चुअली, थोड़ा सा ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है। एंड इसमें हम थोड़ा सा अपना ये सीरम ऐड कर लेंगे, जस्ट 2 ड्रॉप्स। ओके इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करने के बाद और इसको अप्लाई करेंगे, जस्ट अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आई थिंक ऐसे लॉन्ग फॉर्म में तो ये मेरी फर्स्ट ही मेकअप वीडियो है, बाकी मैंने शॉर्ट्स तो और भी अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्लीज़ आप जाइए मेरे शॉर्ट्स को एक बार देखिए, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट अपलोड कर रखे हैं। एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट देन प्लीज़ लाइक ऑल शॉर्ट्स। प्रमोशन नहीं है पर इन्फॉर्म कर रही हूँ आपको, बता रही। थोड़ा सा मेक पे भी अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि मैं निक को ऐसा फील ना हो कि इसमें मेरे साथ कोई भेदभाव किया है। एंड आई थिंक ये हो चुका है अच्छे से, अच्छा लग रहा है ना। एंड अगर आप लोग वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके एंड आप बात करते हैं कंसीलर की, तो मैं लेने वाली हूँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा है, ले सकते हो। एंड गाइस लिटरली मैं बहुत प्रो नहीं हूँ मेकअप में, बट मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए ताकि मेरे साथ साथ आप लोग भी सीख जाएं, बस इसीलिए।
okay, and let's blend it. गाइस बार बार मेरा बैकग्राउंड क्यों मेरी धज्जियां उड़ा रहा है इज्जत की, एक मिनट सा सब खत्म नहीं भाई, क्या प्रॉब्लम है यार, सीधा रहना। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं दिस, मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ही इसको अप्लाई करने वाली हूँ। ऊपर की साइड इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड पीछे मेरी मम्मी घूम रही है, अगर आपको घुंघरू की आवाज़ आ रही हो तो हाँ कर सकते हैं भाई। मिडिल क्लास फैमिली की मिडिल क्लास प्रॉब्लम। ओके, अब ठीक से प्रोनाउंस हो पाया है। ओके चलिए, अब हमने ये कर लिया है। इसके बाद हम हमारे मेकअप को थोड़ा सा सेट करेंगे। मैंने ब्लश इसको पहले अप्लाई इसलिए किया है क्योंकि क्रीमी ब्लश था, अच्छे से लिक्विड प्रोडक्ट के साथ अच्छे से सेट हो जाता है इस वजह, क्योंकि अगर मैं पाउडर पहले यूज़ कर लेती तो वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता ब्लश, इसलिए मैंने ये यू है बेस को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। इस कॉम्पैक्ट फेस स्कैनर का कॉम्पैक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। कॉलेज टाइम मैंने पूरा इसी में निकाला है, मैं इसको बहुत यूज़ करती थी इस साइड के लिए आफ्टर सनस्क्रीन वगैरह। इसको मैं जस्ट इस तरह से यूज़ कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा ऐसा वैसा ना दिखे ऑयली। उसके बाद हम थोड़ा सा ये मेकअप से यूज़ करने वाले हैं जिससे हमारा फेस तो बेस थोड़ा सा अच्छे से सेट हो जाए। ओके, इतनी दूरी पे रखकर उसके बाद हम आईब्रो को अच्छे से ऐसे कॉम कर लेंगे ताकि इसमें जो भी प्रोडक्ट लगा हुआ है वो हट जाए। अगर आप चाहें तो आपके आईब्रो अच्छे से आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आपको अगर फिल करना हो तो आप कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ दिस वेट एंड विल्ड का पैलेट, आई शेडो पैलेट, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर शेड्स हैं, सब बहुत अच्छा। मैं तो मल्टीपल वे में इसको यूज़ करती हूँ, इस तरह से ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। मैं सीधा ये जो पॉइंट है यहीं से स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं जॉस मतलब कितने अच्छे से ड्रॉ हो गया है। एंड आई शेडो के लिए हम ये यूज़ करने वाले वेट एंड विल्ड का पैलेट, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं मल्टीपल वे में इसको यूज़ करती हूँ जैसे कि आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इसका हम कोई एक शेड ले लेंगे, कौन सा लें, मैं थोड़ा सा ये ट्रांजिशन शेड लेती हूँ। करेंगे स्विस ब्यूटी का आईलाइनर, कुछ भी निकल रहा है मुंह से, बिल्कुल छोटा सा एक विंग ड्रॉ करेंगे। एंड इस तरह से हम कुछ बहुत पतला सा आईलाइनर हमने ड्रॉ कर लिया है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। ऊपर से इस पर ट्राई करने वाले हैं स्विस ब्यूटी का मस्कारा, जो कि ऑल्सो बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों मैं हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा कहने लगी हूँ। एंड ओके अप्लाई इट, देख पा रहे हो डिफरेंस, थोड़ा सा इस लोअर लैश लाइन पे भी लगा लेंगे जिससे कि कुछ नेचुरल सा लुक आए। एंड लिप्स के लिए गाइस मैं एक ये वाला लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, मैट लुक का है, एंड दूसरा इज दिस मैबलिन का लिपस्टिक। ओके, तो पहले मैं इस लिपस्टिक को थोड़ा सा अप्लाई करूँगी, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही जाने वाला है। एंड देखो लग रही है ना अच्छी,
काफ़ी अच्छी लग रही है लिपस्टिक। एंड इसके ऊपर हम यूज़ करने वाले ये स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस, जो कि ऑल्सो वेरी गुड। थोड़ा सा यूज़ करने वाले कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आप लोगों को पसंद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अब हम यूज़ करने वाले हाइलाइटर, जो कि मैं इसी पैलेट से मैं आई शेडो यूज़ करें एज अ हाइलाइटर। इस पैलेट से मल्टीपल यूज़ के लिए है यार, काफ़ी अच्छा है। एंड थोड़ा सा हम इनर कॉर्नर्स पे भी लगा लेंगे। गाइस कुछ भी मुँह से निकल रहा है। थोड़ा सा इसको ऐसे अवॉर्ड में कर लेंगे, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाली है। इस तरह से हमने कुछ यूज़ किया है। ओके देन वाह, मेकअप इज डन। तो चलिए भाई, हमारा मेकअप डन कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको हटा देते हैं एंड देखते हैं लास्ट फाइनल लुक कैसा क्या लग रहा है। दिस इज द फाइनल लुक। सो इफ यू गाइज लाइक दिस मेकअप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड गलतियाँ होती हैं भाई, भूल चूक माफ़ करना, बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी बहुत बार मेरे टंग स्लिप हुई है। सो प्लीज़ इग्नोर इट, अवॉइड इट ऑल दिस मैश जो कि मुझसे क्रिएट हुआ है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लविंग। बाय गाइज़।